हा, क्या भाग्य है तुम्हारा। इस आलय के काशी विशेश्वर को तुम अपनी पूजा से ही जगाते हो। इस मंदिर का पंडित होकर भी हर रोज तुमसे पहले आने के लिए कोशिश करने पर भी एक दिन भी तुम मुझे मौका नहीं दे रहे हो। शायद इस जन्म में तो नहीं होगा। आओ अंदर आ जाओ। ओम विश्वेश्वर विरूपाक्ष विश्वरूप सदाशिव सर्वात्मन नीलकंठ नमोस्तुते मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय श्री महादेवतेन्नमः ओम विश्वेश्वराय नमः ओम महादेवाय नमः ओम ज्वालाय नमः ओम त्रिनेत्राय नमः ओम नीलकंठाय नमः। तुम कौन हो और कहां से आए हो किसी को भी नहीं पता, पर इस काशी विश्वेश्वराय को हर दिन तुम्हारे ही नाम से पूजा अर्चना होती है, मन प्रसन्न होता है। हमेशा सिर्फ सुनते हो, जवाब नहीं देते हो। काशीनाथ सदा तुम्हारे साथ है, जाओ। पापा आ गए ना, चलो रो मत, मम्मी के पास जाएंगे। चलो अंजलि। ए राजू मुत्तू, क्या हुआ रे? अरे टीचर के पास क्या सीन चल रहा है, जरा देख कर बता। वो देख, बॉस की मूवी है, हमेशा की तरह हाउसफुल का बोर्ड। अरे यार देख, हमेशा की तरह लोग टिकट के लिए कैसे झगड़ रहे हैं। पैसे निकाल। हमेशा की तरह ही नरसिम्हा के लोग ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं। हमेशा की तरह रहेगा तो कैसा चलेगा, बदलते रहना चाहिए। ए टीडीएस, क्या हुआ भाई? तेरे टैलेंट को जरा बाहर निकाल। आपके बोलने के बाद में रुकने वाला थोड़ी हूं। अभी देखिए भाई। एक भी नहीं बचाना। मेरे टैलेंट की कसम दोस्त, बॉर्डर में भी कोई नहीं है। रुको भाई रुको, एक छोटा सा अनाउंसमेंट। संध्या थिएटर सनशेयर काशी फर्स्ट टाइम शालीमार थिएटर में कदम रख रहे हैं। ओए देखो छोटी सी। अब आप आओ भाई, लेफ्ट लेग के साथ शुरुआत करो। आहा, आहा। जय हो। शुरू करें? मुझे शुरू तो करने दो भाई, खत्म भी हो जाएगा। मजाक कर रहा था भाई। ये ले तेरी बालकनी का टिकट। ठीक है। और ये लो क्लास की टिकट। हमेशा लो क्लास ही, बालकनी नहीं मिलेगा क्या? तेरे लिए मर्द और अग्निपथ से भी कम है, पहले टिकट बेच के तो दिखा दे। जय चिरंजीव। चुप बैठो, कहाँ है वो? कौन? वही रे, वो अकेला। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम वेनु है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। टिकट लीजिए बहन जी, 36 26 36। स्टॉल ले लो बहन जी, 36। लेडीज लेडीज, कंसेशन है। बाबू बाबू, ये मेरा नाम बाबू नहीं है, वेनु है। ये कैसा नाम है? तुझे कितने आदमी दिखाई दे रहे हैं? अकेला अकेला हूँ तो दो थोड़ी दिखेंगे। 36 बहन जी, 36 ले लो। चाहिए रख लो, ठीक है ना? थैंक यू। 36 माल तो बहुत चोखा था। चलो 36 26 36। सुनो, आरती अग्रवाल की वीडियो की तरह कौन है?
कहीं ऐश्वर्या राय तो नहीं है ना? टिकट देना। What happened? दो टिकट दो। अरे माफ कर दो, बेंजी, बेंजी माफ कर दो। Hey man, what happened? दो टिकट दो। अरे what happened? अरे सुनो। 30-50, 30-50, 30-50, 30-50, 30-50। हमारे एरिया में टिकट ब्लैक करता है। ये मूवी है तो ब्लैक में टिकट बेचेगा ना? 30-50 को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। अरे तो चुप रहे। 30-50, 30-50। तुझसे ही बात कर रहा हूँ। अच्छा नहीं होगा। काशी को वार्निंग देता है, गलत बात है। भाई आ? ये लड़कियों के पूछते ही ठंडा होकर टिकट को फ्री में दे रहा है। कल से ऐसे रूम में ही बांध देते भाई। चलो चलते हैं, टिकट्स नहीं मिलेंगे यार। नहीं यार, आज चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए फिल्म को देख कर रहेंगे। अरे कैसा दिख रहा हूँ? बात यहाँ कर रहे हो तू, वहाँ देख रहा है? वो लोग कुछ टिकट का टेंशन में लगते हैं। शायद मैं जाकर उसे कैश कर गया। कैसे? रुक देखता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुको। ओके ओके। शेषु अभी तक नहीं आया, फिल्म शायद चालू होने वाली है। शेषु अगर नहीं आएगा तो टिकट वेस्ट हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, शेषु आ गया क्या? आपके पास एक्स्ट्रा टिकट्स है क्या? एक्स्ट्रा टिकट्स है क्या? सुनिए, एक्स्ट्रा पैसे देकर ब्लैक में टिकट खरीदी है। मेरा जो दोस्त है ना शेषु, वो अभी आने वाला है लेकिन अब तक आया नहीं। पता नहीं क्या हो गया उसे, आएगा भी या नहीं। हमें दे देंगे क्या? कैसे दे दूं मैडम, दोस्त के लिए मैंने पर्सनली 700 रुपए की एक टिकट खरीदी है। जरूरत पड़े तो फाड़ दूंगा। इसको फाड़ने से क्या होगा, मैं आपको जितना पैसे चाहिए दे दूंगी। आप तो इसका डबल दे देंगी लेकिन मैं मेगा स्टार चिरंजीवी की फिल्म देखने के लिए अपने गांव से 50 रुपए का पेट्रोल डलवा कर आया हूँ। शेषु तेरी तो ओ, आप यहाँ हो क्या? उससे 50 रुपए भी निकालूंगा। वो पैसे भी मैं दे दूंगी। चलो ठीक है, कैश है ना? हा? ये लीजिए, आपने काफी फोर्स किया इसलिए मैंने दिया। शेषु तो आया नहीं, फिल्म स्टार्ट हो गई, पूरे 7 टिकट्स हैं। थैंक यू सो मच। फिल्म स्टार्ट से चल, चलो चलते हैं। बम भोले सब, उन लड़कियों से ज्यादा पैसा नहीं लेने चाहिए। बहुत अच्छा किया यार। चल भाई, नरसिंह आ गया। भाई काशी उधर है। काशी, तुमसे थोड़ी बात करनी है। ए, बात करनी है, बोला ना, मार क्यों रहे हो? बात करने से पहले मारना पुरानी स्टाइल है, मार कर बात करना ये काशी की स्टाइल है। ए, रुक जाओ, इसने आप पर हाथ उठाया भाई। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना काशी। हाँ बोल। हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था ना? क्या हुआ था? संध्या थिएटर के पास मैं टिकट नहीं बेचूंगा, शालीमार के पास तुम टिकट नहीं बेचोगे, लेकिन अब यहाँ तुम क्या कर रहे हो? यहाँ संध्या या शालीमार थिएटर की बात नहीं है, मेगा स्टार चिरंजीवी के सिनेमा के टिकट हैदराबाद के किसी भी थिएटर के बाहर मुझे बेचने का हक है। क्या प्रॉब्लम है तुझे? अगर यहाँ मारूंगा तो क्रॉस रोड पे जा गिरेगा। क्या प्रॉब्लम है? हाँ? क्या प्रॉब्लम है? ये मार, और मार, वाह वाह, जोर से मार। हेलो, क्या मारा है? मारने वालों को देखकर खुश होते हो या खुद भी मारते हो? क्यों नहीं मारेंगे, चांस भी तो मिलना चाहिए। Let's go.
ये ले भाई, फुल बोतल दे, जल्दी से दे। भाई वेट कर रहा है, चल चल, भाई वेट कर रहा है। बहुत मस्त है यार। आंखों से प्रेग्नेंट मत कर, चल। आंखों से कैसे होगा यार? अरे वेट कर रहा है। नहीं तुझे समझता नहीं है? ये ले पकड़। बढ़िया कलर्स थे यार वहाँ। ये ले भाई, पैसे में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बाकी पैसे लो। क्यों बे? शॉप वाले को शक तो नहीं हुआ ना? किस लिए? नोट नकली थे ना? क्या कलर से रॉक्स थे? अरे ए, अबे चिल्ला बाद में, पहले दारू डाल। ए तू ज्यादा मत डाल, पैसे हैं या नहीं? उठा उठा, हमारे पास पैसे हो या नहीं? हमने पैसे नहीं दिए फिर भी पीने के लिए दारू? दारू पीने के लिए मुंह और कैलेंडर देखने के लिए आंख देने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू भगवान। चलो चीयर। लड़कियां दारू है, मिक्सचर भी है, पर फिर भी कमी है। वो कैलेंडर भाई, कुछ भी मत बोल। अभी कहेगा वो वाली लड़की चाहिए। तो अभी लड़की का प्रॉब्लम नहीं है क्या? क्या क्या बोला बे? तुमने अभी दारू पिए ना तो लड़की मांगोगे ना, तो वो प्रॉब्लम अभी नहीं है, ये कह रहा है। क्या बे, तुझे उठाओगे अभी? नहीं भाई, आप ही उठो। तुझे बिस्किट दूंगा, चल बता लड़की कहाँ है। आपको बार बार बोलना जरूरी नहीं है भाई, चिकन कीमा के साथ माधुरी दीक्षित रेडी है। मिडनाइट मसाला रेडी। उड़ गई उड़ गई। मेरा दिल है फिदा, मैं चोर की तीखी अदा, मैं चुम्मा किसको देगी पता, हे नाम को समझा मेरी तेरा दीवाना, मस्त मस्त लगती है तू वो जाने जाना, तू जो हसीना तो मैं भी दीवाना तेरा हूँ, तू है मस्त मौसम तो मैं पागल समा हूँ, मस्त थोड़ी प्यार करो। लगती है सबसे जुदा, ए ए तुझ पे मेरा दिल है फिदा।
ए सर्दी के मौसम में जैसे रजाई तेरी जवानी गोरी मस्त मलाई आशिक हूँ मजनू हूँ एक दीवाना मेरा दिल है फिदा राम का समझान में तेरा हूँ दीवाना मस्त मस्त लगती है तुमको जाने जाना तू जो हसीना तो मैं भी दीवाना तेरा हूँ तू है मस्त मौसम तो मैं पागल तमाम संगीत जैसी चीज हम लोगों के लिए सिर्फ हॉबी की तरह होनी चाहिए ना कि लाइफ बनना चाहिए बेटा। तुम्हारा एम, तुम्हारा एम्बिशन, तुम्हारा कुन सब बिजनेस डेवलपमेंट में होना चाहिए। अंजलि, तुम एक होनहार लड़की हो। आज मेरे पास इतना बड़ा बिजनेस है बेटा, तुम देख सकती हो। गुड मॉर्निंग चाचा जी। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। स्वाति, हमारे नए प्रोजेक्ट का डिजाइन रेडी हो गया? हाँ, कब का चाचा जी? ओह गुड। दिवाकर सर, इस प्लान के नए डिजाइन को आज ही भिजवा दो। ठीक है सर। चलो बेटा ऑफिस। हाँ, चलते। चाचा जी, आज मैं अंजलि को कॉलेज छोड़ के आ जाऊंगी। ओके। अरे मैं खुद चली जाऊंगी। ये लो। ओके बाय। बाय बाय। चोकोबार है क्या? हाँ मैडम। अरे अपना हीरो कहाँ पर है? मुझे क्या पता। अरे कमला हसन की मूवी रिलीज हो रही है ना, उसमें बिजी है। छोड़ो। नमस्ते भाई। नमस्ते। बोल, चॉकोबार खाएगा? हाँ। ए, तीन चॉकोबार दे। एक ही बचा था भाई, मैडम को दे दिया। अरे क्या यार, इतने खूबसूरत लड़की को तो मैडम जी कहता है, शर्म नहीं आती है? पैसा भी दिया इन्होंने। ओए, तू कहना क्या चाहता है, हम पकड़ में खाने वाले हैं? ऐसी बात नहीं भाई। क्या भाई बोला तू? उसको तेरी एज के बारे में पता चला। दाढ़ी वाला दाढ़ी रखकर ज्यादा नटक मत कर। चुप रहा। दाढ़ी वाला किसको बोला तू? माँ कसम भाई, मैंने इसको कहा। ज्यादा नखरा गया तो मार लूंगा भाई। मैं आपको कैसे कह सकता हूँ? अर्जी बुक दे, चल जल्दी से अपने सारे रिकॉर्ड दे मुझे। ये कार थोड़ी है भाई। ए, ज्यादा नाटक मत कर, नहीं समझ जाए। चल तुझे छोड़ देता हूँ इस बार के लिए। अभी तो एक कैंडी लेके जा रहा हूँ, अगली बार गाड़ी लेके जाऊंगा। कैसे ये लोग हाथ से आइसक्रीम छीन के ले गए? पैसे देके नहीं खरीद सकते हैं क्या? ये लोग इस एरिया के गुंडे हैं मैम साहब, ये पैसे देकर थोड़ी खरीदेंगे। चाचा जी, किसी न किसी लड़के का फोटो दिखाकर पूछते हैं, लड़का तुम्हें पसंद है क्या? मैं कुछ न कुछ बहाना बताकर निकल जाती हूँ। अब मैं क्या करूँ रघु, तुम ही बताओ ना। छह महीने से तुम यही बात कह रही हो, कितने दिनों तक छिपाती रहोगी? तुम कहती हो तो मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आज ही चाचा जी से अपने प्यार के बारे में बात करूंगी। देखो बेटी, जब 3 साल की थी तुम, तब तुम्हारे मम्मी डैडी फ्लाइट एक्सीडेंट में गुजर गए। तब से ही मैंने तुम्हें अपने भाई की बेटी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह पाला है। तुम्हारा भविष्य अच्छा हो, यही चाहता हूं मैं। जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो सिर्फ एक मिडिल क्लास का है। मैंने जिस लड़के को सिलेक्ट किया है वो मल्टी मिलियनेयर है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो तुम सुखी रहोगी। नहीं चाचा जी, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो रघु है। ए, क्या बकवास कर रही हो? प्यार प्यार, ये क्या प्यार का लट लगा बैठी हो? एक बार इस पिता का दर्द भी तो समझो तुम। आप मेरे दर्द को नहीं समझ पा रहे हो, बचपन से हर चीज में मेरी राय पूछने वाले आज आप शादी के बाद कैसे चेंज क्यों हो रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्यों बदल गए हैं चाचा जी? मैं बिल्कुल बदला नहीं हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ। बचपन से ही तुम्हारा ड्रेस, कलर, मॉडल की सारी चीजें मैंने तुम पे छोड़ दिया था, समझी? कॉस्टली कपड़े भी खरीदे थे, दैट्स माय स्टेटस। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ? अरे मैं भाग रही हूँ, तुझे पसीना आ रहा है? पहले पसीना पोंछ ले। एक बार और डैडी से बात करके देखते हैं। अंजलि, अब कोई फायदा नहीं है। तुझे क्या लगता है, मुझे मम्मी डैडी से प्यार नहीं है क्या? एक बार शादी हो जाए और बच्चे हो जाए तो वो लोग खुद माफ कर देंगे। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, मैं चलती हूँ।
सर यहाँ पर साइन कर दीजिए। सब ठीक है ना? Come on, Ram, let's go. जल्दी बैठो। सर वो आपकी छोटी लड़की भाग रही है। जाके रोको उसको। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके रोको। चलो इस तरफ चलते, चलो। राम बाबू तुम उस तरफ देखो। ठीक है सर। रामू काका, हाँ जी, वहाँ जाओ। अरे मैं ड्रॉप हो गया यार, ये बटला कहाँ पर चला गया? अरे टीडीएस, वो जो बाजू में चने वाली है ना, उसके साथ ही मीटिंग करने गया था। बस आधे घंटे में जाकर आता हूँ ऐसे कहकर गया था, पर अभी तक आया नहीं। क्या मजाक कर रहा है यार। सॉरी सॉरी, कम ऑन साथी, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो। चल पत्ते डाल। अरे तो पत्ते डालना यार, क्या देख रहा है रघु? ये आखिरी रास्ता, यहाँ छुप जाते हैं। हाँ ठीक है। ए टीडीएस तू कंटिन्यू कर। ये अपना बटलर है क्या? लगता है वो लोग चले गए हैं। हाँ। अरे यार मैं तेरे से बहुत परेशान हो गया, ठीक से क्यों नहीं खेलता? खेल तो रहा हूं ना। होशियार है। देखा ना, मैं जीत गया। अब बोल किसको कितने पैसे आएंगे? क्या फायदा, एक भी तो पैसा देने वाला नहीं है। आज रात को ऐसे पार्टी लेंगे। सुनो भाई साहब, यहाँ पर किसी लड़के और लड़की को जाते हुए देखा? आए तो तुमने देखा क्या? हाँ देखा तो। तुम मुझे उन दोनों को दिखा सकते हो भाई? दिखाऊंगा नहीं, पकड़वाऊंगा। सच में? अगर पकड़वाए तो फिर चलो दिखा दो ना। मैं पूरे 5,000 रुपए लूंगा। हाँ दे दूंगा भाई, देख पलटना मत। चलो, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ ना तो तुझे यहीं पे गाड़ दूंगा। तू इधर बैठ, इसके ऊपर ध्यान रख। सिंगल खेलते। सिंगल? अरे सिंगल मतलब वही है यार। चलो भाई। अबे चलना बताता हूँ, चल। क्यों मार रहे हो रघु को? सर हमें क्यों मार रहे हो? चल मेरे साथ, चल। तुम्हें छोड़ रहे हैं यार। अबे चल, तो ज्यादा बकबक मत कर। ये देख, 5,000 रुपए दे। अभी तो मेरे पास नहीं है, घर चलो दे दूंगा। तो पहले नहीं बोल सकता था? चलो ना भाई, मैं दे दूंगा। दिलवा दे। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने चीकू को समझ के रखा है? यही मार दूंगा यही। अगर आपने रघु को कुछ किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रघु से ही करूंगी। आप चाहे राजी हो या ना राजी हो चाचा जी। ओके बेटा, कूल डाउन, कूल डाउन, रिलैक्स। मैं यहाँ बैठ के इस लड़के से बात करूँ। तुम अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ ना। बहुत स्मार्ट लड़के हो, बड़े अच्छे तरीके से मेरी बेटी को फंसाया। बचपन से लेकर आज तक मेरी बेटी कभी मेरे सामने आंख उठा के बात नहीं की, लेकिन आज उसने मेरे सामने मुझे वार्निंग दी। उस लेवल तक तुम इसे लाए हो। बोलो तुम्हारा रेट क्या है? सर मैंने पैसों के लिए आपके बेटी से प्यार नहीं किया। 5 लाख चलेगा? सर मैं गरीब जरूर हूँ पर प्यार को नहीं बेचूंगा। चलो 10 लाख ले लो, मेरा भरोसा कीजिए। ओके 25 लाख फिक्स। इतना पैसा तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। देखा कभी तुमने? अच्छी बात नहीं है। दिवाकर सर, ब्रीफ केस दो। ओके सर। ऐसे होते हैं पैसे। सॉरी सर, पैसों के लिए आपकी बेटी से प्यार नहीं किया। इस पैसे को लेकर मेरी बेटी को भूल जा। 25 लाख नहीं, 25 करोड़ भी देंगे तो भी नहीं बेचूंगा। ए, ज्यादा नाटक मत कर, पैसे ले और निकल। हेलो रुक, ये पर्सनल प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करना, पहले मेरा पैसा दे, मेरे को जाने का है। तू कौन है? बताऊं क्या? दोनों को पकड़वाने में हेल्प की थी। हेल्प वेल्प क्या कर रहा है? तूने बोला था दोनों को पकड़वाएगा तो 5,000 रुपए दूंगा। इसको पैसे दो, भागा। प्लीज भाई रुको ना, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो बाहर मैं तुम्हें देता हूं, आप यहीं खड़े रहो, मैं लेकर आता हूं। साला 5,000 के लिए इतनी बात सुना रहा है? ये लो और निकलो यहां से। चुपचाप 5,000 रुपए देता तो मैं निकल जाता। ये तुमने क्या किया? क्या हुआ? आफ्टर ऑल 5,000 के लिए तुमने मेरी बहन के साथ अन्याय किया। पैसों के लिए प्यार करने वाले को जुदा करना पाप है, लेकिन तुम जैसे गुंडे मवाली को प्यार के बारे में, दोस्ती के बारे में भला क्या पता? तुम एक बात जरूर याद रखना कि इंसान पैसा खोने के बावजूद भी जीता है, लेकिन वही इंसान जब अपने प्यार को अपने करीब नहीं पाता है
तो निराशा के गहरे अंधेरे में खोता सा चला जाता है। ओहो। तुम एक इंसान हो ना, तो दूसरे इंसान की मदद करने की अच्छी सोच रखो। फायदा उठाकर तुम लोगों से पैसे लेते हो। छी छी। ये कौन है जो आकर मुझे क्लास देकर गई? ये सब टीवी सीरियल का नतीजा है। अभी अर्जेंटली जाकर एक फुल बोतल खींचनी चाहिए, नहीं तो मेरा माइंड सेट नहीं होने वाला। अरे ये कहां से आ गए? ओह तुम हो। ये पैसे तुम्हारे? नहीं, ये पैसे तुम्हारे हैं। वो तो ठीक है, पर किस लिए? मेरे चाचा जी काम करने के बाद पैसा देते हैं, लेकिन मैं पैसा देकर काम करवाना चाहती हूँ। स्टोरी ओके है, पर काम क्या है? मुझे और मेरे लवर को। कौन? वो जो हट्टा कट्टा है वही? हाँ, हाँ, वही। हाँ। तुम जहाँ से उसे लेके आए हो वही ले जाकर उसे छोड़ देना। अरे ऐसा है क्या? अगर ये बात तुम स्टेशन पर ही मुझे बता देती तो मैं तुम दोनों को तभी ट्रेन में बाय कर देता ना, इतना झमेला काई को। तो कंफर्म है ना? हाँ कंफर्म है, अब तुम टेंशन मत लो, जाओ अपने घर पे जाके आराम से सो जाओ। जाओ। 5 से तो 10,000 अच्छे हैं। ए, मरने के लिए तैयार हूँ पर स्वाति के प्यार को छोड़ने के लिए नहीं। शाबाश ब्रदर, लवर हो तो तुम्हारी तरह। ए, क्या हुआ तुझे, यहाँ पे क्यों आया? छोटा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? चिल्ला मत। ए, ले। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा रहा हूँ और मुझे मेरा आदमी दे दो। ए, ए। आप मुझे कुछ भी बोलोगे मुझे चलेगा। ए, बाहर निकालो उसको। ए, 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 काशी चलो आ जाओ। ए, तू जीके से पंगा ले रहा है। एड्रेस लेगा मेरा? चल ले ले एड्रेस। मेरा नाम है काशी, शो टाइम पे संध्या थिएटर और खाली टाइम पे नामपाली स्टेशन। दम है तो आ जा। आफ्टर ऑल ब्लैक टिकट बेचने वाला प्लेटफॉर्म पे सोने वाला मुझे वार्निंग देकर मेरी बेटी को लेकर चला गया। उसे मरना होगा, वो जिंदा नहीं रह सकता। इस जीके के बारे में वो जानता नहीं है। कितना भी पैसा लगे कोई गम नहीं। पैसों के लिए नहीं सर, चोट खाया हुआ सांप हूँ मैं, गुस्से से लाल हो रहा हूँ। अभी फिर से मौका मिला है, आप जैसे बड़े लोगों का मुझे सपोर्ट मिला है, उस काशी को तो मैं अपने हाथों से ही खत्म कर दूंगा। काशी जी, काशी जी, ये यहाँ किस लिए आ रही है? कहीं क्लास तो देने नहीं आ रही है? काशी जी, काशी जी। मुझे पहचाना क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल रात को इतनी बड़ी क्लास जो ली थी आपने। मेरी वजह से आप बेवजह की मुसीबत में आ गए। मुसीबत? कैसी मुसीबत? वक्त नहीं है, जल्दी से प्लीज शहर छोड़कर चले जाइए। मैं शहर छोड़कर चला जाऊँ, पागल होगी? मेरी बात तो सुनिए, वो कल रात को आपने मेरी दीदी की शादी करवा दी, इसलिए मेरे पापा ने गुस्से में आपको मरवाने के लिए गुंडे भेजे हैं। अरे अरे आप हंस रहे हैं, आपको आपको डर नहीं लगता? काशी किसी से नहीं डरता, बल्कि काशी से सब डरते हैं। ए, काशी! काशी जी! क्यों बे, तो फिर आ गया यहाँ पे? लगता है चोट भर गई तेरी। hey! क्यों चिल्ला रहा है बे? काशी, काशी,
कोई गुंडे हैं क्या? इनके लिए मैं अपना शहर छोड़कर जाऊं? क्या जरूरत पड़ी है? हाँ? अपने पापा को बोलो कोई अच्छे गुंडे भेजो। साला पीछे से वार करता है क्या? हाय दया। काशी जी। कैसे हैं? पता नहीं मैडम। हाँ। ये सब मेडिसिन अर्जेंटली मंगवा लीजिए। कैश काउंटर में 10,000 रुपए जमा कर दीजिए। 10,000? अभी के अभी 10,000 कहाँ से लाए? सुंदर भाई के पास जाते हैं। हाँ तू सही कह रहा है, उसी के पास चलना चाहिए। तो अभी चलते हैं, आप यही रुकिए, हम जाकर आते हैं। अभी वो सब के लिए टाइम नहीं है, ये चूड़ियाँ बेच के पैसे ले आइए प्लीज। इन्हें ले जाइए और बेच डालिए प्लीज प्लीज। चलो वक्त बर्बाद मत कीजिए। डॉक्टर आप वो कैसे हैं? डोंट वरी सिस्टर, ही इज वेरी लकी। टेंशन मत ले, आ जाएगा। सुबह सुबह कहाँ पे? तुम कहाँ जा रहे हो? अबे थिएटर जा रहा हूँ, चल चल। डॉक्टर ने 2 दिन रेस्ट करने के लिए कहा है। डॉक्टर का क्या है, वो तो बोलता ही रहता है। तू पहले अंदर चल, तू बच गया यही बड़ी बात है। क्या यार तुम लोग, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो। ए तुझे हम लोग नहीं बचाए हैं, अंजलि ने। सच है यार? क्या? हाँ रे, उसके सारे गहने बेच कर तेरा इलाज कराया। हम सच ही बोल रहे हैं, हॉस्पिटल में उसने कही सारी बातें हमें याद है, उसी की वजह से ये सब हुआ। काश वो मर जाती, ऐसे अपने आप को कोस रही थी यार। अब वो कहाँ मिलेगी? हाँ। अरे एक था टाइगर रिलीज हो गई है, देखने चलोगे क्या? मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग जाओ। अरे हाँ, तुझे तो पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। ओके बाय बाय। आप यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैं ठीक हूँ, मेरे दोस्तों ने कहा कि आपने ही मेरी जान। अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए मैं थैंक्स कहने के लिए आ गया। नो नो, मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। आप क्यों मुझे थैंक्स बोलेंगी? उस दिन मैंने आपको गुस्से में आकर बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन आपने तो मेरी बहन की शादी करवा दी। अगर आपने उस दिन हेल्प नहीं की होती
तो उस दिन मेरी दीदी रघु से दूर होके तड़पती रहती। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला सकती। वो उस दिन क्या हुआ था पता है? छोड़ दीजिए वो सब। वो जो पैसे दिए थे, प्लीज जाने दीजिए ना। ये लीजिए। ये क्या काशी जी, एक फ्रेंड होने के नाते मैं हेल्प नहीं कर सकती? फ्रेंड्स? कभी हम दोनों ने मिलकर दो चाय भी नहीं पी तो हम फ्रेंड्स कैसे हो गए? अच्छा, लुक तो अच्छा है। कुछ बोलो ना। का? तुम जो बोल रहे हो ना हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुमको देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को भोजपुरी समझ में नहीं आता, आपको कैसे समझाना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे, ये क्या कह रहे हो, हमारी भाषा समझ में नहीं आ रही है? इनको हमारी भाषा नहीं आती, हमको इनकी भाषा नहीं आती, अब हम क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या ये कौन से जंजाल में फंस गई हूँ भगवान जी। हेलो हेलो, सुनते हैं क्या? आप ही से कह रही हूँ, एक मिनट आइए ना। आप ही से कह रही हूँ, एक मिनट के लिए आइए। कौन मैं? हाँ हाँ, आप ही से। क्या काम है भाई? आपसे कुछ बात करनी है, एक मिनट के लिए आइए ना। ये लड़की कौन है? पता नहीं कौन है ये लड़की। अरे कुछ नहीं होगा, एक मिनट के लिए आ जाइए ना। अरे वो लड़की तो मुझे पता ही नहीं है। पहचानने की क्या जरूरत, तुम जाओ। अरे लेकिन वो क्या बात है, बोलो जल्दी। वो बात ये है ना, हमारा नाम लक्ष्मी है, हम पटना से हैं जी। जी हम मंदिर में पूजा करने के लिए सोमवार को यहाँ आए थे। आपको ना हमारे लिए एक लेटर लिखना होगा, अभी लिख कर एड्रेस पे डाल देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो आपने मुझे यहाँ पर अपना लेटर लिखवाने के लिए बुलाया है क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? उस सामने बैठे है ना, ये हमको बहुत पसंद कुछ है। करो यार। पर इनको हमारी भाषा नहीं आती, ये जो हमको बोलते हमको समझ में नहीं आती, आप हमको समझाइए। आपको हमारी भाषा आती है ना? एक मिनट, हम सिगरेट पी लिया। अब इसको भोजपुरी ट्रांसलेशन करके देना है, किस तरह से करके दूं भाई? भोजपुरी हमका अच्छी तरह से आवत है, हमारा नाम बब्बर। अब बोलिए जी। मैन, इसको पहली बार रेस्टोरेंट में देखा था, तब से इसके ऊपर फिदा हो गया था। अच्छा। का कहे? इकरा के बहुत बड़ी बीमारी बा। का? बीमारी है? ये इतने बड़े इंसान को ऐसे बीमारी कैसे हो गई, जरा पूछ के बताइए ना। मैन क्या बोल रही है वो? ये कह रही कि बीमारी के बारे में ना? ये पूछना चाहती है, जब आपने पहली बार उस्मानिया ना उस्मानिया में देखा तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा यार। वो ठीक है, पर आपके दिल को कैसा लगा? मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या क्या? हाँ, क्या बात है जी? इकरा के तो दिल की बहुत बड़ी बीमारी बा। सच सच? प्रॉमिस प्रॉमिस। क्या बोले? सच कहा था। दिल की बीमारी ये भी आपसे बहुत प्यार करती है। प्यार होता है तो रोना आता है। वो बहुत प्यार करती है ना, इसलिए। रोना बंद करोगे काशी, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? इन्हें कुछ नहीं हुआ, इज परफेक्टली ऑल राइट। आप जो सोच रही हो वैसे कोई बीमारी नहीं है। ए, ये लड़की को बोलो मुझसे शादी करना पसंद है तो मेरा जूठा की आइसक्रीम इसको खाने को बोलो, उसकी जूठी आइसक्रीम मैं खाता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर तुम इससे वाकई में प्यार करती हो तो तुम्हें इसकी खाई हुई आधी आइसक्रीम खानी पड़ेगी, और तुम्हारी खाई हुई आधी आइसक्रीम इसे खानी पड़ेगी। यही से बोल रहे हैं? तो आप लोग यहाँ कहाँ बैठे हैं? निकलो। अरे सुनना भाई, मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है? प्लीज प्लीज, हम बोतल वाली दारू पीते हैं तो हमको चक्कर आता है, लेकिन बोतल में दारू होती है उसको चक्कर क्यों नहीं आता? ये तो स्टैचू बन गया भाई। भाई एसटीडी भाई, मुझे एक डाउट है भाई, हम जो टिकट ब्लैक में बेचते हैं ना, वो टिकट ब्लैक रंग का क्यों नहीं होता है? हाँ यार। दोनों को कुछ भी पता नहीं है। अब मैं दोनों से सवाल पूछूंगा, दोनों से सवाल पूछता हूँ। देखो, जब लोग पीते हैं तब चेस बोलते हैं, लेकिन कुर्सी क्यों नहीं बोलते? अरे इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। दोनों को भी एक डाउट है। पूछो पूछो। इंसान मारने से मरता है या लात मारने से मरता है? मारने से। ये क्या है? हेलो अंजलि। काशी, तुमने मेरी आवाज पहचानी इसलिए थैंक्स। तुमने अचानक फोन क्यों किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कोई बात नहीं है, तुमसे बात करने का मन किया तो मैंने फोन कर लिया। अच्छा, एक बात कहूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगी ना? फ्रेंडशिप में बुरा नहीं माना करते, बोलो ना काशी। कल मैं तुम्हें कहाँ मिल सकता हूँ? किस लिए काशी? यूं ही। ठीक है, गुड नाइट। एक मिनट, कहाँ मिलना है? जगह तो तुम ही बताओगे ना?
बंधन कैसा है, कैसी कहानी, क्या इसका है किनारा, उफ अनजान जवानी, मन में थी बातें ऐसी वैसी, अपनी खामोशी, शायद ये रिश्ता जन्मों का। क्या स्पेशल है आज? पहले लो फिर बताऊंगी। पहले बताओ तो मैं लूंगा। तो गेस करो। अच्छा, अगर गेस नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मैं खुद समझ जाऊंगा। नए नए कपड़े, नया नया फोन। ए, कहीं तुम्हारा हैप्पी बर्थडे तो नहीं है? हाँ, ये लो काशी। क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं ना कि तुम हमेशा खुश रहना, जियो हजारों साल। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? हर जन्मदिन पर मैं मम्मी पापा के साथ मंदिर जाया करती हूँ। इस साल मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जरूरी है। आओ ना काशी। तुम जाकर आओ। तुम साथ नहीं आओगे? क्यों? मुझे विश्वास नहीं है, मैं यहाँ तक तुम्हारी वजह से आया हूँ। काशी, तुम जिद करोगी तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। चलो जाओ। कोई बात नहीं काशी, मैं जिद नहीं करूंगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो आने की जरूरत नहीं। ठीक है। लो बेटी रसीद। हाँ? किस चीज की? आज आपका जन्मदिन है ना, एक लड़का तुम्हारे नाम से अन्नदान करके गया। कौन? कोई दाढ़ी वाला था, शायद तुम्हारा पति होगा। भाभी जी, भाभी जी। हाँ? काशी भैया ने आपको टिकट देने को कहा। भाभी I love you.
देखूं तुझसे रूबरू, रौनक आँखों की एक दूजे के हो, तड़प है सांसों की। चाहत का ये बंधन कैसा है, कैसी कहानी, क्या इसका है किनारा, उफ अनजान जवानी। मन में थी बातें ऐसी वैसी, अपनी ये खामोशी, शायद ये रिश्ता जन्मों का। दिल भी लगा रे, अरे नागौरी, अरे नागौरी, अरे नागौरी, मुर्गी पटा ले, अरे मुर्गी पटा के जरा दिल भी लगा रे, अरे नागौरी, नागौरी, मुर्गी पटा ले, मुर्गी पटा के जरा दिल भी लगा ले। दिल भर के दारू पिए कितना दिन हो गया यार, बिना गिने सिगरेट पिए भी बहुत दिन हो गया यार। पार्टी का स्मेल लिए भी कितने दिन हो गए यार। हाँ यार काशी, पार्टी के लिए थैंक्स। ए, इसके जैसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतना टेंशन में क्यों बैठा भाई? ए भाई, हम आपके प्यार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे भाई, हम अपनी जान तक दे देंगे, चिंता मत करना भाई। काशी भाई, आपके प्यार के लिए हम जान भी दे देंगे। अरे पूरा का पूरा बंदोबस्त। अरे यार, हम इन बातों में पढ़कर मेन बात तो भूल ही गए। चलो चलो शुरू करते हैं। ए जला रे, अरे दे एक ही कश मारूंगा। अरे इसने तो ऑलरेडी सिगरेट भी चला दी। ए इधर दे बे। अरे जल्दी डालना यार। अरे डाल रहा हूँ यार। अरे पहले ये तो खत्म कर ले, फिर डालता हूँ ना। ये ले। आ मुझे भी थोड़ा दो ना। उसको देना। दो ना यार। काशी, अरे ये सिगरेट पी रहा है। अरे काशी सिगरेट पी रहा है। क्या हो, क्या गया इसे? अरे काशी तू, अरे काशी तू भी पी रहा है? बंदी कहाँ किया था मैंने? जब से तुम अंजलि से प्यार करने लगे हो, सारी चीजें भुला दी है तुमने। सब छोड़ दिया, ऐसा उसे विश्वास दिलाया। विश्वास दिलाया? पर किस लिए? क्योंकि एक बार विश्वास दिलाने के बाद मुझे बार बार नाटक ना करना पड़े, इसलिए। मतलब तुम सच्ची में अंजलि को प्यार नहीं करते? प्यार करने का नाटक किया है। पर तूने प्यार का नाटक क्यों किया? पैसों के वास्ते। अंजलि के पापा इस शहर के बहुत अमीर आदमी हैं। उनके भाई की बेटी ने किसी कॉलेज के ऐरे गहरे लड़के से प्यार कर लिया था। उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए का ऑफर रखा था। तो ये तो उनकी अपनी बेटी है, अगर वो किसी ऐसे लड़के से प्यार करती है तो उसे छुड़वाने के लिए वो कम से कम डबल यानी 50 लाख तो ऑफर करेंगे ही ना। इसलिए मैं उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा हूं। पागल है, बेवकूफ है, इसलिए तो आई लव यू बोला उसने, बेचारी। ये तुम लोगों ने सुनी अब तक की कहानी, अब सुनो आगे की कहानी। कल सुबह अंजलि के घर पर हम दोनों के प्यार के बारे में पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चला तो मैं खुद करवाऊंगा, तब उसकी पोजीशन खराब हो जाएगी और अंजलि बोलेगी मेरे पापा नहीं मानेंगे, चलो हम कहीं पर भाग चलते हैं। फिर मैं भी उसके साथ खुशी खुशी चला जाऊंगा, और जैसा कि हमेशा की तरह होता है उसके बाप के गुंडे हमारा पीछा करेंगे, तो मैं जानबूझकर ही उनके जाल में फंस जाऊंगा। उसके बाद शुरू होगी बोली। फिर वो बोलेगा मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत सोच समझ कर बोलूंगा 50 लाख मंजूर है, ओके। तो
मैं सोचने का बहाना करूंगा और बाद में 50 लाख तो ले लूंगा यार। उठा 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 रे उठा। ए, क्या बोल रहा तू? अंजलि को किस लड़के के साथ रेस्टोरेंट में देखा? हाँ सर। कौन है वो? कॉलेज का कोई फ्रेंड होगा जी, शायद हम लोग उसे गलत समझ रहे हैं। ए, पता है मैंने तुझको क्यों मारा? इन सब का कारण तेरी परवरिश राजेश्वरी। अब तक जो कुछ भी मैंने कहा उसको सुन के भूल जाओ। जो गलती मैंने स्वाति के साथ की अंजलि के साथ नहीं कर सकता। मैं जल्दी अंजलि को अमेरिका भेज दूंगा। ऐसे क्यों बोल रहे जी? किसी चीज पे समझौता कर ले, पर जीवन साथी की बात पर हमें कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर डर लगता है तो प्यार मत करो, और प्यार करते हो तो डरो मत। तुझे क्या लगता है, मुझे मम्मी डैडी से प्यार नहीं है क्या? एक बार शादी हो जाए और बच्चे हो जाए तो वो लोग खुद माफ कर देंगे। क्या भाई, ये अकेला गया किधर? हाँ प्रॉमिस भाई, मतलब प्रॉमिस, तुम्हारा प्रॉमिस, इसका प्रॉमिस, उसका प्रॉमिस, मैं एक मिनट में जाकर आता हूँ, ऐसा क्या कर गया? अभी तक नहीं आया भाई। काशी भाई, अभी तक नहीं आया भाई। आपका फोन। अरे फोन नहीं है, अंजलि है। अंजलि, अरे बाप रे, ये उठे अंजलि। काशी, हमारे प्यार के बारे में पापा को पता चल गया। हाँ? वो मुझे कैसे भी यूएस भेजना चाहते हैं। कहीं तुम चली तो नहीं जाओगी? नहीं काशी, आज रात को ही हमें भागना होगा। अंजलि, हम गलत तो काम नहीं कर रहे हैं ना? तुम कुछ मत बोलो, ठीक 11 बजे तुम नामपली स्टेशन पर आ जाओ, मैं भी वहाँ पहुँचती हूँ, वहीं मिलते हैं। अंजलि, क्या हुआ यार? क्या हुआ काशी? बस एक घंटे में नामपली स्टेशन पर 50 लाख रुपया पहुँच जाएगा। 50 लाख स्टेशन पर क्यों आएंगे? अरे अंजलि यार, चिरंजीवी भाई का डांस करने का। हाँ सही का भाई ने, मुलगी पटाली भाई ने मुलगी पटाली। अरे अभी तक अंजलि आई क्यों नहीं? आ जाएगी यार। 50 लाख आएंगे तो हम चिरंजीवी को साइन कर लेंगे ना? तुझे कोई डाउट है क्या? हाँ तो वो मान जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो नागार्जुन से बात कर लेंगे। तब तक हम जीके को फोन कर ले। ओ अच्छा, लड़की का आने के बाद फोन करेंगे। ये लीजिए। अरे देख 50 लाख आ गए। देख देख अंजलि आ रही है, कितनी अच्छी तरीके से चलकर आ रही है। ए, तू इसे छासे मिलके बात करता रहे। okay. मैं इसके बाप से बात करके आता हूँ, ठीक है? सही है। जाओ और अच्छे से काम करना, ठीक है? काशी कहाँ है? आप बोर ना हो जाए इसलिए किताब लाने गया है। वो क्या है कि काशी पानी का बोतल लेने गया है। आपको रास्ते में भूख लग जाएगी ना, इसलिए वो चिप्स का पैकेट लेने गया है। आप परेशान मत होइए, हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, आपके बेटे किसी लड़के के साथ नामपाली स्टेशन पर भागने के लिए आई है, तुम जाकर चाहिए तो देख लो खुद। कौन बोल रहा है, नाम बताओ अपना। कहाँ मर गए सबके सब? जल्दी जाओ, अंजलि घर से भाग गई है। नाम पुलिस स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1, उस लड़के को वहीं खत्म कर देना। जाओ चलो चले साइड। देखो काशी भाई आ गए। हाय काशी, आ गए क्या? कौन? नहीं तुम आ गए क्या, ये पूछ रहा था। काशी मेरी डैडी को जानने से पहले हम यहाँ से जाना। नहीं नहीं, पर तुम्हारे पापा को कितना बुरा लगेगा इसके बारे तुमने सोचा है क्या कभी? तुम तो जानते हो ना मेरे पापा के बारे में, मेरे दीदी के वक्त कितना प्रॉब्लम किया था। किया था, पर जो मैं कर रहा हूँ काशी, जो मैं कह रहा हूँ वो तो सोचो ना तुम। मैं जाके टिकट्स लेकर आऊँ? नहीं ओके, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। नहीं तुम यही रुको, मैं मंगा लेता हूँ। ए जल्दी से जाकर अर्जेंट टिकट लेकर आना। अरे बाप रे अर्जेंट, अरे कहीं का भी मिल जाए यार, जल्दी जाओ टिकट लेकर आ। चल 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 जा, अर्जेंट टिकट लेकर आ, जल्दी भाग भाग। चल चल चल, ये सब के लिए मैं हूँ ना, चलो तुम चलो। नहीं ये लोग आए क्यों नहीं अब तक? अरे वही अपने लोग जो टिकट लेने गए थे। टिकट्स लेने में ये लोग कितनी देर लगा रहे हैं ना अंजलि। हाँ? पुलिस देखो। पापा ने हमारे बारे में पुलिस से बात की है क्या? नहीं काशी, मेरे पापा को तो पता ही नहीं कि मैं भाग गई हूँ। उनको पता चल गया क्या? वही मतलब उनको पता चल जाएगा ना। हाँ हाँ, पुलिस यहाँ पर क्यों है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ये लो काशी, कलकत्ता के लिए 2 टिकट। कंफर्म है ना? कंफर्म नहीं है, कंफर्म करना होगा। हाँ, जोक ज्यादा हो रहा है, सब सही हो जाएगा ना।
कलकत्ता से हैदराबाद जाने वाली अरोरा एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 8 ट्रेन आ चुकी है। ये अंजलि के बाप को फोन किया है, किसी और को किया? अरे 50 लाख का मैटर है यार, कैसे गलत कर सकता हूँ। अरे भाई तुमने सही रेलवे स्टेशन का एड्रेस दिया कि नहीं? अरे बेवकूफ, ये नामपाली स्टेशन है, नामपाली स्टेशन पे ही बुलाया। मुझे स्टेशन का नाम नहीं पता है क्या? सर कलकत्ता के 2 टिकट से कंफर्म कर देंगे। अभी यहाँ मिनिस्टर साहब आने वाले हैं और मैं पहले से बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज सर, प्लीज सर। अच्छा ठीक है, तुम S5 में जाकर बैठो, मैं वहीं आकर मिलता हूँ। थैंक यू सर। भाई अपना प्लान सक्सेस। अरे मुझे पता है, आ जाओ, मेरा प्लान सक्सेस। काशी टिकट्स कंफर्म हो गए, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, वहाँ कंफर्म सीट है। अरे उस तरफ नहीं, हमारी ट्रेन उस तरफ है, आओ। लेकिन लेकिन वो तो यहाँ पर। अरे उधर कहाँ जा रहे, इधर जाना चाहिए ना। अरे इधर चलो, इधर। अरे ये लोग उधर का देख रहे हैं, कहाँ चले गए ये लोग? अरे अरे इधर इधर। अरे वो उसको उधर लेकर कहाँ जा रही है? इधर। अरे अरे इधर जाना। अरे भाई इधर नहीं, उधर। अरे S5 कहाँ पर है? S5 उधर है काशी। अच्छा काशी भागो, जल्दी जल्दी करो, भागो। अरे भागो भागो। अरे काशी जल्दी भागो। काशी अंजलि को हमारे हवाले कर दो। देखो मुझे तुम लोगों के साथ झगड़ा बिल्कुल नहीं करने का है। काशी काशी निकल चलो यहाँ से, प्लीज काशी। अंजलि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन हम कब तक भागते फिरेंगे? इसलिए मैं तुम्हारे पापा से बात करके ही आता हूँ। काशी देखिए मैं आपके साथ आ रहा हूँ। चल रहे साइड हट, साइड। साहब को वहां लेके जाओ। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो हमारा दोस्त जा रहा था ना, इसीलिए उसको छोड़ने आए। हो गया, निकलो यहाँ से। और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जी नहीं, वो एक्चुअली हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं, हमारा कोच S5 है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। S5 कहाँ पे? S5 उधर है सर। S5 वहाँ पे, ट्रेन निकलने का टाइम हो रहा है, टेंशन मत दो, चलो अंदर जाओ, अंदर। अरे चलो काशी, मैं बस जा ही रहा हूं। नहीं बस मैं जा ही रहा था, पानी चाहिए था। चलो अंदर, पानी मैं देता हूँ। अरे यार पानी, एक बोतल पानी चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, सच में बाल बाल बच गए, गुड लक ना। हाँ जस्ट मिस हो गए हम लोग, मेरा बैड लक था। मायूस क्यों लग रहे हो? अब तक तुम्हारे पापा से बात करके मैंने उन्हें कन्विंस कर भी लिया होता। नहीं काशी, 100% मेरे पापा कन्विंस नहीं होते। नहीं अंजलि, मैं उनको 50% तक तो कन्विंस कर ही चुका होता। हमने बहुत गलत किया है, मुझे बहुत खराब लग रहा है। पता नहीं तुम्हारे पापा किस हालत में बैठे होंगे, तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान हो रहे होंगे। हम लोग अगले स्टेशन पर उतर जाएं क्या? तुम्हारे पापा बहुत खुश हो जाएंगे। यू आर ग्रेट काशी। किस लिए? तुम मेरे पापा की तकलीफ के बारे में सोच रहे हो। अच्छा, आई लव यू सो मच। आहा, डोंट फील ऑकवर्ड। अच्छा देखो, मैं अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कैसे रखूंगा, इसलिए हम लोग अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। हाँ नहीं काशी, मेरे पास काफी पैसे हैं। तुम तो समझती ही नहीं हो, 1-2 हजार में तो बिस्किट भी नहीं आएंगे। नहीं काशी, 3 लाख रुपए हैं। कहाँ पर है? मेरे बैग में। तो फिर हम लोग उतर जाएंगे। कहाँ? कलकत्ता में, वहाँ पर तुम बिस्किट लेकर आ जाना। अब हमें कोई टेंशन नहीं। लो भाई पानी, लो पानी लो। हाँ अरे आप टाइम पे आ गए हो। क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? नहीं सर, अब इतना सामान है तो उसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी। वैसे भी ट्रेन में आजकल काफी चोरियां हो रही है, बैग्स में से कितने पैसे चोरी हो रहे हैं। इसके लिए तो हम लोग है ना, सो जाओ तुम लोग। आप कहाँ तक रहोगे सर, ज्यादा से ज्यादा बैजूवाड़ा तक रहोगे? नहीं यार, हम लोग आगे तक जाएंगे। ओहो विजयवाड़ा तक रहने वाले हो? नहीं कलकत्ता तक जाने वाला हूँ। हाँ कलकत्ता तक आने वाले हो? हाँ यार, हमारे मिनिस्टर साहब की वहाँ पे एक मीटिंग है। हाँ हाँ मेरे भी तो है। क्या सर नींद नहीं आ रही है? जब ड्यूटी पे होता तो नींद नहीं आती, अपना भी ऐसा ही है। अच्छा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आखिरकार आपने हमारा कलकत्ता तक साथ दे दिया। रात को सोए नहीं क्या? सर सामान साथ में है ना। ठीक है चलो मैं आता हूँ। हाँ आप चलिए।
चल यार अभी तो मौका मिल गया है, हाथ साफ कर। गुड मॉर्निंग काशी। उठ गई, किस ही तो किया था मैंने। अब चले। अरे अरे तुम चलो ना, मैं कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम। अरे चोर चोर पकड़ो। रुक। ए ज्यादा नाटक मत कर, बैग छोड़ के चले जा। मैं बैग छोड़ू? देख उसके आने से पहले बैग छोड़, वो आ रही है देख। अबे छोड़। मैं कोलकाता का दादा, मुझसे पंगा मत ले। मैं बैग छोड़ का नहीं हूँ, इस बात के लिए तो मैं हैदराबाद से कलकत्ता आया हूँ यार। छोड़ मेरा बैग, छोड़ दे प्लीज। मेरा एरिया है। छोड़। अरे छोड़। चले जा। अरे छोड़। ए तुम लोग सुन रहे हो क्या? ए जफर भाई। अच्छा जफर भाई को बुला रहा है क्या? ए जफर भाई। ए सुष्मिता सर। अबे अबे छोड़ना यार मेरा बैग। मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। हां तो चल जा। अबे चल। अरे भाइयो सुनो। अबे चल चल बैग छोड़। अरे बैग छोड़। अरे छोड़। वो आ जाएगी। अरे छोड़। मैं यहाँ रहने वाला नहीं, तेरे गांव का हूँ। तू मुंबई का है? हाँ भाई। साले मुंबई वाला होकर मुंबई वाले का बैग चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? अगर मैं यहाँ के लोगों को चुराऊंगा तो थोड़ी छोड़ेंगे। अबे बैग छोड़ना, तेरी सिस्टर आ रही है यार। भाई इसकी बहुत जरूरत है मुझे। अरे बहुत तेज का मारा रही। अरे बापरे, चलो अच्छा है कि उसने मुझे अपना बैग तो दे दिया। काशी तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? सब ठीक है ना? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बात बताओ, उषा तुम्हारी कजिन बहन है क्या? उषा कौन? अरे वही पीटी उषा, क्योंकि वो रेस में फर्स्ट आती है ना, तुम भी इतनी जल्दी भागकर कैसे आ गई? अच्छा छोड़ो, बैग मिल गया ना। ये लो और देख लो, इसमें सब सही है ना? पैसे इस बैग में नहीं है, इस वाले बैग में है। इस बैग में है? जब तुम मुंह धोने गए थे ना, तब मैंने पैसे निकाल के इस बैग में रख दिए ताकि सेफ रहे। अगर इस बैग में पैसे तो मैंने इसके लिए इतनी मेहनत क्यों की? इस बैग में और भी कीमती चीज है। डायमंड है क्या? नहीं। तो इसमें वायलिन है। क्या? वही वायलिन जो टुई टुई बचा। हाँ, हाँ, हाँ। तुम भी ना। बहुत हो गए तुम्हारे जोक्स, अब चलो। हाँ, भी चलो। वायलेंस के लिए वायलेंस जरूरी है क्या? नहीं नहीं मैं उठा लूंगा। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बैग पकड़ सकता हूँ मैं। ज्यादा वजन नहीं है, छोड़ दो। अरे क्यों तकलीफ ले रही हो? तुम्हें तकलीफ होगी। रहने दो ना मेरे पास, क्या बुराई है? फाइव स्टार होटल, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे होटल में खाना खाऊं। बिस्किट अंजलि। हम कहाँ जा रहे हैं काशी? अरे यही तो रहेंगे हम इस फाइव स्टार होटल में। फाइव स्टार होटल? अरे मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है। तुम बचपन से एसी में पली बढ़ी हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये होटल बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मेरा क्या है, मैं तो फुटपाथ और प्लेटफॉर्म पर रहने वाला हूं। हमारे पास पैसे जरूर है, लेकिन एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे तो ठीक नहीं। पास में ही कोई छोटा सा कमरा ले लेते हैं। चलो चल के ढूंढते हैं। देखो अंजलि, मुझे समझने की कोशिश करो, नई जगह नए लोग नई भाषा, अभी के अभी हम लोगों को भाड़े पे रूम कौन देने वाला है? काशी देखो आंध्रा होटल, वहाँ जरूर तेलुगु लोग होंगे। अरे अंजलि, यहाँ मराठी लोग आकर हिंदी सीखते हैं और बंगाली में लिख देते हैं, समझी? अरे अंजलि छोड़ दो। अरे क्या कर रही हो? इस होटल का प्रोप्राइटर कौन है? बंगाल टाइगर कांता राव, कांचीपाड़ू कांता राव। ए किसने बुलाया मुझे? मैंने। तुम ही इस होटल का ओनर हो? हाँ मैं ही हूँ। ये इडली इतना खट्टा क्यों है? कल का इडली खट्टा नहीं तो क्या मीठा रहेगा? इतना चौंक क्यों रहे हो? कल का इडली खा रहे हो तो चौंक रहे हो, और ये जो कल का डोसा खा रहे हो तो और चौंकेगा। वो भी कल का है क्या? कल का नहीं, तीन दिन पुराना है। ये तीन दिन पुराना है क्या? तीन दिन का सुनकर इतना चौंक रहे हो तो ये फिर जो सांबर टेस्ट करा उसका क्या होगा? तो क्या वो भी तीन दिन पुराना है? वो तीन दिन का नहीं है, वो तो एक हफ्ता पुराना है। अरे जो वो कर रहे हो, तुम उल्टी करो या खाओ, इसका प्राइस तुम्हारे बिल में छूट नहीं मिलने वाला है, डबल प्राइस लगेगा। सांबर खत्म हो गया सर, सप्लाई कैसे करना है सर? सांबर खत्म हो गया तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? कैसे जियोगे यार? ये लो हो गया। अब अगर शाम तक कहोगे सांबर खत्म हो गया ना? ए सांबर। हाँ लाया साहब। हाँ ठीक है चल जा। अरे मेरी बात मानो अंजलि, किसी को तेलुगु नहीं आती होगी। ट्राई करने में हर्ज क्या है? कोई तेलुगु वाला नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। एक्सक्यूज मी, आप तेलुगु बोल लेते हैं? अरे रे रे, मुझे तेलुगु कला कोई भाषा आती नहीं है। मुझे लगा ही था सर। तुमने कैसे पता लगा लिया? आपके फेस को मैंने पढ़ लिया। अच्छा तो तुम उस रूट से आए? नहीं सर, दरअसल हम इस रूट से आए हैं। ये रूट से आए? ये रूट मतलब ये रूट नहीं, ट्रेन रूट से आए। अच्छा कौन सा शहर है? शहर तो कलकत्ता है सर। ये कलकत्ता मुझे पता है, तुम कौन से गांव से आए हो? हैदराबाद। ओ हैदराबाद से? हाँ। हमारा हैदराबाद? हाँ। हैदराबाद से आए हो? हाँ। ओ बहुत बहुत खुशी हो रही है। क्या चाहिए तुम लोगों को? आपकी गोल्ड चेन। मैं पूछ रहा हूँ कि
इस होटल से तुम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को ना, हम लोगों को घर, प्रॉपर्टी, कैश, कैश काउंटर। यार बहुत जोक करते हो। इस होटल में तुम्हें खाने के लिए क्या चाहिए? हमें कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए। आप तेलुगु बोलने वाले, हम लोग भी तेलुगु बोलते हैं, बस आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें बहन जी? हमें रहने के लिए घर चाहिए। सर आप मार रहे हो इसलिए उस जैसे कुछ भी बोलेगा, आप इसकी बात पर यकीन मत कीजिए। सर 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 मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बोल जल्दी से। सर मैं बताता हूँ सर, आपके भाई के बेटी के प्रेमी को आपने 25 लाख का ऑफर किया था, तो आपकी बेटी के प्रेमी को आप 50 लाख का ऑफर करेंगे, इसलिए उसने प्यार का झूठा नाटक किया। मुझसे 50 लाख रुपए हड़कने के लिए उसने प्यार का नाटक किया, मेरी बेटी को फंसाया। नरसिम्हा, चाहे जितना भी पैसा खर्च हो जाए, उस कमीनी को ढूंढ के निकालो, मेरी जान मुझे वापस चाहिए। अरे सर ये एरिया तो बहुत ही चीप लग रहा है। सर कुछ भी बोलो, ये कलकत्ता है। अरे आप लोगों को तो आदत हो गई है, चलो ठीक है। अच्छा एंट्रेंस कहाँ है सर इसका? इधर से, इधर से। अरे सर आपको अनाथ आश्रम की तरह नहीं लग रहा है क्या? अरे अच्छा सर, ये होटल छोड़ के चकला बिजनेस तो नहीं करते ना आप? क्यों, किस लिए? कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है आपको इसलिए। टन टन टन, ये रहा, ये देखिए, वेल फर्निचर्ड हाउस, बेड, टेबल, वेंटिलेशन। ये घर तो काफी ओल्ड लग रहा है, मुझे पसंद नहीं है, चलो अंजलि चलते हैं। सर ये ओल्ड हाउस नहीं है, इसकी हाइट तो देखिए सर। नीचे सीलन है, बहुत ठंडी लगती है, ट्राई कर लीजिए। अरे क्या ठंड, मुझे ठंड पसंद नहीं है, चलो अंजलि मुझे पसंद नहीं है। ए, क्या सर, घर की हिस्ट्री जाने बगैर जा रहे हैं? आप क्या समझ रहे हो, 50 साल पुराना घर है ये। 50 साल? तब तो कभी भी गिर सकता है। चलो अंजलि। सर आप रुकिए तो, आप बार बार जाने की बात क्यों कर रहे हो? वो देखिए उधर, जब आप खिड़की खोलेंगे हावड़ा ब्रिज पे ट्रेन की आवाज सुनाई देगी। नहीं मुझे साउंड पोल्यूशन है, मुझे घर पसंद नहीं है। अंजलि चलो। अरे सर दो मिनट रुकिए। हेलो, ये शर्ट छोड़ दो, शर्ट छोड़। सॉरी, जब आप वो खिड़की खोलोगे तो क्या साक्षात काली माँ का आशीर्वाद सीधे आपके घर में आएगा। भगवान से अपना जमता उमता नहीं है। चलो अंजलि ये घर मुझे पसंद नहीं है। काशी हर वक्त मजाक ठीक नहीं, मुझे ये घर बहुत ही पसंद आया। मेरा ब्रोकरेज तो दे दो। अरे क्या ब्रोकरेज, आपको अपने खुद के घर की ब्रोकरेज लेते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा ये खुद का घर है? हाँ बेटा ये हमारा ही घर है, इसका दिमाग खराब है, इन्होंने चूहे का खाया सांबर खिला के 7 लोगों को मार दिया, मौका मिलते ही कमीशन खाने लग जाते हैं। आप अंदर आओ मैं बताती हूँ। वैसे तुम दोनों की शादी हो गई क्या? शादी के लिए तो कलकत्ता आए हैं। बिना शादीशुदा लोगों को आप नहीं रखते ना? अंजलि चलो। सर सुनिए तो, ये घर लवर्स के लिए लकी है, यहाँ पर कितने जोड़े आए और हम लोगों ने कितनों की शादी करवाई। मतलब ये घर लवर्स के लिए लकी है? तो फिर आज से घर रेंट पे लेते हैं, अभी एडवांस देते हैं। दे दीजिए। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा इस घर में रखने की परमिशन नहीं है, बैंक में डाल दो। अरे सर हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं, समझे क्या? ए भाई ये हैदराबाद नहीं कलकत्ता, यहाँ पे 50 रुपए के लिए मर्डर हो जाता है। अरे बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए भी पहचान की जरूरत होती है, हम लोग यहाँ पे किसी के जाते नहीं हैं। अरे बेटा तुम टेंशन मत लो, हम लोग है ना तुम्हारे पहचान वाले, तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुलवा देंगे। थैंक्स भाभी। ठीक है चलो तैयार हो लेते हैं, फिर बैंक चलते हैं। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बाहर रुकिए, हम तैयार होके आते हैं। हाँ चलो चलो, आराम से रहो। अंजलि, अंजलि, अंजलि कहाँ गई? अंजलि क्या? अरे कहाँ गई? हाँ मैं रेडी हो गया हूँ, अगर तुम भी रेडी हो तो हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए चलते हैं, और वहीं से हमें पंडित के पास भी जाना है ना। हाँ चलो तैयार हो जाओ। तुम बाहर वेट करो, मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? जब मैं नहाने गया था तो तुम यहाँ पर थी, तो तुम जब नहाने जाओगी तो मैं भी यहीं पर रुकूंगा ना, जाओ नहा लो। बात यह है काशी, वो तुम्हें शर्म आ रही है, यही बात है ना? देखो हमारी शादी होने वाली है तो कोई बात नहीं है, तुम अंदर जाकर नहा लो और मैं बाहर बैठ जाऊंगा। वो बात नहीं है। मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना अंजलि? अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो वो तुम पर है काशी। है ना, तो अंदर जाकर दरवाजा बंद करके नहा लो। ठीक है। ना 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 ना, वायलन वायलन। अच्छा साबुन। अरे रे रे, मुझे लगा कि नहाते वक्त साथ में बैग लेकर जा रही है, जब से आया हूँ तकिया पकड़ कर बैठा हूँ, अभी देखता हूँ। अरे मेरा बैग, मेरा बिस्किट। अरे भाई मेरी बीड़ी, पता नहीं बीड़ी को यहाँ पर क्या बोलते हैं। अरे जरा संभल के चल बेटे, कैश निकाल ले। अरे कैश, कैश की जगह कपड़े कहाँ से आ गए? अरे यार समेट ले जल्दी,
उसके आने से पहले मुझे अंदर जाना होगा। क्या कर रहे हो काशी? कुछ नहीं, ये राग है सा रे गा मा पा। गाना बजाना बाद में, पहले इसे ठीक से पकड़ना सीखो। ये क्या है यार, तुम वायलिन बजा रहे हो और बैठो खड़ी हंस रही है। ये सब तो ठीक है लेकिन बैंक जाने का टाइम हो रहा है। हम लोग रेडी हैं काशी, पैसे निकालो। ये लो पकड़ो बैग। अरे पैसे इसमें नहीं है। मुझे पता है नहीं है इसमें। उस पिलो में है। किस में पिलो? इस पिलो में पैसे रखे हैं? हाँ। क्या यार फिर से मिस हो गया, जरा देखो तो कहाँ है। फिर तुम पैसे देखने बैठ गए जैसे कभी देखा ही नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे अपने होटल जाना है। ये कंपलसरी बैंक में रखने होंगे ना। हाँ। घर में कोई सेफ्टी नहीं है ना। बैंक चलते पैसे रख देते हैं। ये साला कांता राव मेरे पीछे ही पड़ा है बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के लिए। कहता है साला सेफ्टी के लिए बैंक में रख दो। मेरा गोल्डन चांस मिस हो गया। मैं कब से तुम्हें अंदर बुला रही हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ साइन करो। अरे मैं यहाँ क्यों साइन करूँ? मैंने पूरे पैसे तुम्हारे नाम से डिपॉजिट किया है, साइन करो। क्या पूरे 3 लाख रुपए? हाँ, आई जस्ट कम। पूरे 3 लाख मेरे हो गए रे। भाई साहब ये बैंक का टाइमिंग क्या है? मैंने अभी पैसे डिपॉजिट किए हैं तो पैसे मुझे निकालने, मतलब मेरे ही पैसे हैं, तो टाइमिंग क्या है बैंक का? हाँ अभी अभी हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं और मैंने टाइमिंग भी पूछ लिया, 10 to 1 है। अभी हम लोग पंडित के पास जा रहे हैं ना। हाँ। मुहूर्त अच्छा है। कल आप लोग आ जाओ, मैरिज लिस्ट में आपको रजिस्टर कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट। कम क्लोज। काशी। हाँ? हम लोग भी फोटो निकाले। फोटो? हाँ। फोटो निकालना है क्या? भाई साहब एक फोटो हमारा। कम क्लोज, कम क्लोज, स्माइल प्लीज। मेरी जा मुझको भी बातें पता है।
सारा जहां है, संग तेरे रंग नए कैसा समा है। अंजलि हाँ चले हाँ चलो हाँ चलो। दस आदमी की जगह 100 आदमी रखो, 100 की जगह 1000 रखो, कलकत्ता का कोना कोना छान मारो, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए, पैसे की परवाह मत करना, समझे कि नहीं? ठीक है सर। सुनिए जी, मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। चलो बोलो। अगर अंजलि की फोटो को टीवी और अखबार में दिखा देंगे तो जो भी कोई उसे देखेगा तो हमारी बेटी का एड्रेस बता देगा। अरे पागल औरत, इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में नहीं आई होगी, टीवी और अखबार में अगर ऐड दे दिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि बेटी भाग गई। अब तक जो भी इज्जत मैंने कमाया है वो मिट्टी में मिल जाएगी, समझे क्या? ये क्या इडली खा रहा है? नमस्कार सर। नमस्ते जी। इस होटल में अच्छी चीज क्या मिलती है? इस होटल में सब कुछ अच्छा मिलता है। सांभर अच्छा मिलता है क्या? बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। क्या भाई साहब, मेरा सांभर पी लिया आपने? सांभर फेंकना अच्छा नहीं रहेगा ना। कौन सा काम है आपका? मैं गुंटूर जिला तेलानी से। आप तेलानी से हैं? आप तेलानी से हैं? आप तेलानी से? मैं तेलानी से, आप तेलानी से, मैं भी तेलानी हूँ। इसी ने मेरे भाई को धोखा दिया था, अखबार में जो फोटो आई थी वो प्रॉपरली मुझे याद है। वैसे आप कौन हो? मैं इस होटल का प्रोपराइटर हूँ, कांची बाड़ू कांता राव, पूरे कलकत्ता में फेमस हूँ। सारे तेलानी के लोग इसी होटल में नाश्ता करने आते हैं। मेरे भाई से भी इसने ऐसे ही कहा था। अच्छा ये बताइए, वैसे इस होटल में सबसे फेमस क्या है? इडली। कितने की है? एक इडली का दाम 2 रुपया है। अरे बाप रे। बाप बाप हम दो लोग। हाँ। अगर 2 इडली खा लोगे तो पेट भर जाएगा, और अगर 4 खा लिया तो रात तक खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह की बातें किसी और को जाकर सुनाओ, हम जैसे लोगों को नहीं। तुम जितना कहोगे मैं उतनी ही इडली खाकर दिखा सकता हूँ। जितना जितना बोलोगे उतना खा लूंगा। कितना भी खा लोगे? हाँ खा लूंगा। बोलो कितना खाओगे? बोलो कितना खाऊं? खाने वाले तुम बोलो ना यार। 25। 25 खा लोगे? खा लूंगा। बोलो कितने की शर्त? कितने की चाहो लगा लो, चाहे जितना भी लगा लो। हाँ लगा लो। तो 500 की शर्त है? हाँ 500 की शर्त है। खा लूंगा, लेकिन जुबान से फिरना। हाँ 500 की शर्त है। 25 इडली ला रहे? आ रख दो अभी जा तू। हाँ नहीं 25 इडली खाओ। अगर नहीं खा पाऊंगा 500 की शर्त है। 500 नहीं 1000 दूंगा। अच्छा हाँ एक बार फिर सोच लो। ओके ठीक है। ओके ये क्या है? इडली। ये कितनी है? आधी इडली। ये कितनी है? 25%। लो मैंने खा लिया और शर्त भी जीत। क्या बात कर रहे हो, आधे से कम इडली खाए हो? ये कौन खाएगा? क्या कहा? आधा खाया। 25%। मैंने 25 इडली खाई ना। 25 इडली खाया, शर्त जीता ना। हाँ जीत गए। तो फिर यही बात इनको आप समझा दीजिए। कैसे इंसान हो, अपनी जुबान से फिर रहे हो, दे दो ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पागल हो गया क्या? 25 इडली खाने? अब ज्यादा मत बोलो, 500 रुपए दो मुझे। पहले पूरी इडली खाओ।
अब मुझे पैसे दे दो। अरे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं, नहीं। अरे भाई साहब बोलो ना, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा। अरे दे दो ना, 500 रुपए दो। काशी ने ये क्या कर दिया यार, पूरे प्लान को फेल कर दिया यार। वो जब से गया है ना, ठीक से खाना खाया ना, दारू पिया। भाई साहब आपका फोन है। हमारे लिए फोन? अरे भाई सच में आपका फोन है? चल देख लेते कौन है। अरे नहीं यार, अंजलि के पापा होंगे तो फोन पे हमको धो डालेंगे। अरे क्या यार, हर चीज के लिए डरता है। चल देखते ना कौन है, चल देखते कौन है। हेलो, हे मैं हूँ यार। अरे काशी है, काशी, काशी, काशी है क्या? कहाँ हो तुम? ये महानगरी कलकत्तापुरी। अरे कलकत्ता में मैं। अच्छा तो तू कलकत्ता में, पर वहाँ क्या कर रहा है? अरे 3 लाख रुपए के लिए मैंने नया प्लान बनाया, तुम लोग जल्दी से आओ, हम लोग निकल लेते हैं। अरे 3 लाख बोल रहा है, 3 लाख। अरे वो कैसे कैसे कैसे? ये देखो प्रॉब्लम सारी बाद में सुनते हैं, अभी फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ आते वक्त मेरा लगेज लेकर आना। हाँ तेरा बहुत सारा लगेज है, 2 अंडरवियर 2 बनियान है ना। ज्यादा मत बोल, जल्दी से एड्रेस लिख ले। कब टाइम निकलेगा? अच्छा अभी तो रात गुजरनी है, कब सुबह होगी, कब अपना काम शुरू करूंगा। बैंक खुलते ही सबसे पहले वो पैसे विड्रॉ करूंगा और फिर उसके बाद। अंजलि, अंजलि, अरे यही कहीं उसने चेक छुपाया होगा। कहां गया मेरा चेकबुक? चेकबुक आजा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं मार्केट जा रहा था सब्जी लाने के लिए, मैंने सोचा कि पहले बैंक में चला जाता हूँ। ओ ऐसा, हाँ। मैं भी तुमको यही बोलने वाली थी, तुम जाओ, बाय। ओके बाय। जल्दी से 3 लाख रुपए निकाले तो। ये नए नए मेले दूल्हे की तरह कहाँ जा रहे हो? क्यों साथ में आना? कहाँ पे? चलो चांद पर जा रहा हूँ। अरे ये क्या मजाक है? क्या? अरे ये कवर तो ले लो। हाँ ये कवर लेके मैं क्या करूंगा? तुम तो ऐसे बोल रहे हो सर जैसे इसमें कोई बम है। हाँ तो और क्या? अरे इसमें तुम्हारे फोटोग्राफ्स हैं। देखो मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। हाँ। तुम उस लड़की के बल में सूट नहीं कर रहे थे। हाँ? ब्लैक शर्ट भी अच्छा नहीं था। हाँ थैंक्स। सुनो खोल के देख तो लो। अरे नहीं मुझे थोड़ी शर्म आती है ना, थोड़ी दूर पर जाकर मैं देख लूंगा, ठीक है? अरे बापरे अभी भी देख रहा है। आप जाओ ना अंदर, आप जाइए ना अंदर। अंदर जाऊं? हाँ हाँ देखूंगा। साला पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आ जाते हैं। तीन लाख सुनते ही लगा था कि बहुत कैश होगी। इतना पैसा हाथ में लेकर जाना ठीक नहीं रहेगा, बेवजह चोर भाइयों को न्योता देने वाली बात हो जाएगी। सबसे पहले तो इसे अपने बैग में रख देता हूँ। ए, चलो ए, देख के चलो, चलो चलो। कुछ ज्यादा ही तेज है। भाभी जी, भाभी जी। अंजलि क्या बात है, क्या हुआ? काशी कल सुबह के गए हुए, अभी तक नहीं लौटे, कुछ हुआ तो नहीं? ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो बहन परेशान मत हो जाओ, बेचारी लड़की बेकार में परेशान हो जाती है। आओ। नमस्कार मौसी। नमस्कार। कस्टमर लेके आया हूँ। हमारे दाम बोले चुकी? हाँ बता दिया। ए, ये सब क्या डिस्कशन हो रहा है? पैसा मांग रही, दे दीजिए। हाँ ठीक है। ए, इसको बोल लड़की एकदम सुपर फिगर चाहिए, यंग। की बोल छे रे? जवान लड़की चाहिए। ओई कॉर्नर की बॉस आज छे। उधर बैठो। 15 तारीख या फिर 17 तारीख को। हाँ? मैरिज लेटर लेने के लिए काशी आया था क्या? नहीं तो। एक मिनट। अच्छा आपका शादी का लिस्ट? ए, लड़की को जल्दी भेजो। ए, जल्दी जाओ यार, एकदम मस्त होनी चाहिए, साड़ी पहन के। और अच्छा जी तो ये आप हो क्या? तेलुगु चैनल। हमको पहचाने नहीं, हम पटना वाली लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी। हेलो हेलो, सुनते हैं क्या? बात ये है ना, हमारा नाम लक्ष्मी है, हम पटना से हैं जी। अरे तुम यहाँ पर? हाँ जी मैं पिछले 6 महीने से यही हूँ। मतलब तुम धंधा करती हो? अब मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने उस पे बहुत भरोसा किया था, मुझे लगा वो मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैंने अपना घर उसके लिए छोड़ दिया था और उसके साथ शहर आ गई थी। यहाँ के पता चला वो मुझसे प्यार नहीं करता था। मैं घर से जो 2 लाख रुपए लेके आई थी और मेरे शरीर पे जो ज्वेलरी थी वो उससे प्यार करता था। वो तो बहुत नाटकबाज था सर, ऐसा दिखाता था जैसे मेरे लिए सिगरेट पीना छोड़ दिया। उसने कहा वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता, ऐसा उसने कहा था सर। कभी वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा ऐसा कहा था। फिर मुझे बीच मजदार में छोड़कर मेरे सारे पैसे और गहने लेके भाग गया। 2 दिन तक वापस नहीं आया तो मैं सोच के परेशान हो गई, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। मैं मरना चाहती थी सर, पर उसने मुझे मरने भी नहीं दिया। मैं भागने की कोशिश करती हूँ पर ये मुझे पकड़ लेते हैं सर। अब मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए मैंने इस नरक को अपना लिया। अब मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है सर। अब मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, मैंने सारी भाषा सीख ली है। दोपहर से खाना खाने का टाइम नहीं मिला और अब मुझे जोरों से भूख लगी है। आपका काम करने से पहले खाना खा लूं? आप कहेंगे तो बाद में खा लूंगी। अपने सारे दुख अपने सीने में छिपाकर लोगों के सामने हंसना सीख लिया है सर। जो मर्द पैसा देते हैं उसके लिए काम करना सीख लिया है। आप तो अपना मूड ठीक करने यहाँ आए थे और मैंने अपनी पूरी कहानी सुनाकर आपको बोर कर दिया ना सर। कोई बात नहीं सर, आइए बैठिए, यहाँ बैठिए ना सर। मैं आपको अपना समझती हूँ इसलिए बता रही हूँ, आप गलत मत समझना सर। ठीक है पहले मैं आपका काम देख लेती हूँ, उसके बाद खाना खा लूंगी, ठीक है ना सर। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर, पहले आपका काम करूँ या खाना खा लूँ? ठीक है पहले आपका काम बाद में खाना। रहने दो, तुम खाना खा लो। आप बहुत अच्छे हैं सर। मम्मी पापा मुझे याद किए होंगे। मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ सर, हर दिन नरक की तरह जी रही हूँ सर। कोई यहाँ शराब पिलाता है? कोई मेरे शरीर पर सिगरेट से झटका लगाता है? और तो और सर, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये देखिए। लंका जैसे घर में पली बड़ी, वहाँ जमीन पर भी पैर नहीं रखती थी सर। मैंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया है, मैंने उनको धोखा दिया, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है सर। मैं अपने माँ बाप की जान थी सर। अगर मैं वापस जाऊँ तो कभी मना नहीं करेंगे। ভালো করে টেপ কি সব সবাই চায় যে কোনো কাজ না করি। হ্যাঁ আমার মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? मैं इस लड़की को यहां से ले जा रहा हूं। কি? এ इसका बॉल मैं इस लड़के को यहां से लेके जा रहा हूं। ये इसको लेके जा रहा है। নিতে গেলে ওর একটা দাম আছে। বলো। पैसा मांग रही है। बोलो कितना? अंजलि, अंजलि, अंजलि,
अंजलि सुनिए सुनिए अंजलि अपने कमरे में नहीं है, वो कहाँ गई आपको कुछ पता? ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो तुम्हें ढूंढने बाहर गई थी, तुम्हें नहीं मिली क्या? और तुम दिन भर से कल बाहर गए थे और अब आ रहे हो? वो बेचारी तुम्हारे साथ खाना खाना चाहती थी और अब तक उसने पानी का एक बूंद तक नहीं पिया। पागल कहीं की, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया ये सोचकर वो बहुत परेशान हो रही थी। तुम्हारे लिए वो लड़की और उसके लिए तुम बने हो, दोनों में बहुत प्रेम है। यहाँ अंजलि, क्या हुआ बेटा? वो लड़की जो मेरे साथ आई थी ना, यहाँ पर आई थी वो। सुबह आकर तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तो पता है आपको कहाँ गई? मुझे क्या पता, इतने बड़े शहर में तुमको न जाने कहाँ ढूंढ रही होगी। जल्दी जाओ, जाकर ढूंढो उसे। अंजलि तुम यहाँ क्या कर रही हो? काशी। अंजलि, अंजलि, क्या हुआ अंजलि? तुम यहाँ क्या कर रही हो और कहाँ गई थी तुम? काशी। अंजलि, क्या हुआ अंजलि? अंजलि, बोलो क्या हुआ? काशी, मैं तुम्हें ढूंढने गई थी, तो चार गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। कौन थे वो लोग? कौन थे? कौन थे बोलो, कौन थे? ए, किसने इस पे हाथ डाला? हमी की कोर्बे की कोर्बे रे शाला। तूने मेरी अंजलि को हाथ लगाया, मेरी अंजलि को हाथ लगाया, मेरी अंजलि पर हाथ डाला, इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साले। काशी, काशी छोड़ दो, छोड़ दो, काशी, काशी, छोड़ दो, छोड़ दो। अंजलि, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। अंजलि, खाओ, थोड़ा सा खाओ।
एक सच बात बोलूं, लड़की के साथ सूट नहीं कर रहे थे। देखो आ गया पेट हिलाते हुए और हाथ में झोला लटकाए हुए। आज देखना मैं इसको देता हूँ दाल फ्राई। सब कुछ ठीक है ना? आइए आइए। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और सुनाइए। क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। आज फिर से शर्त तो नहीं लगानी है? अरे मैं क्या शर्त रखूंगा, उस दिन आप 500 रुपए जीत कर ले गए, फिर 5000 जीत गए, तो क्या आप हमेशा जीते रहोगे? इस बार शर्त मैं लगाऊंगा। क्या फिर से शर्त लगाना चाहते हो? देखो हार जाओगे बोलना मत। चलेगा चलेगा, लगाओ। चलो चल कर देखते हैं। चलो बैठिए सर। हाँ बैठूंगा ना, बोलो शर्त क्या है? आपके पास 1 रुपए हो तो दीजिए। 1 रुपए किस लिए? आप पहले दीजिए तो भाई साहब। क्या 1 ही रुपए में शर्त है? हाँ। लगता है ये कोई नई शर्त है। अरे निकालिए तो। ये लो रुपए। ये 1 रुपए आपने दिया है, इधर रख दिया। ठीक है। ये है ग्लास, भूख मारो, मार दिया ना, इसको यहाँ रख दिया। हाँ रख दिया। देखो शर्त ये है, मैं बिना गिलास उठाए बगैर टेबल को हिलाए डुलाए मैं पैसे ले लूंगा। ये बेवकूफी भरी बातें मुझसे मत करो। बिना गिलास को उठाए तुम ये कैसे कॉइन ले लोगे? कैसे उठाऊंगा मैं तुमको बाद में बताऊंगा, पहले शर्त लगाओ। बोलो कितने की लगानी है? मैं हार गया 1000 दूंगा, और तुम हार गए तो मैं 2000 दूंगा। बाद में अपनी जुबान से फिरना मत। बिल्कुल नहीं। ओ भाई इधर आओ, इधर बैठो। मैं हार गया 1000 दूंगा, ये हार गया तो 2000 देगा। ओके चलो पैसे निकालो। पहले ही देना होगा क्या? दे दो, उसके हाथ में दे दो। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था ना? ये लो भाई सेफ्टी से रख लेना। ये लो अच्छे से रख लो, पूरे 2000। रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? ऊपर क्यों देख रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस रख रहा हूँ। देखो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। नहीं नहीं, तुम अपने हाथ दूर रखो। हाँ दूर रखो। देखो लक्ष्मी माता। अरे ये नीचे क्या कर रहे हो? आओ आओ लक्ष्मी माता। किधर है? आओ लक्ष्मी देवी। 1 रुपए कहाँ? मेरी जेब में। ऐसे कैसे? रुपया जेब में ही है। रुपया तुम्हारी जेब में कैसे हो सकते? तुमने तो इसमें रखा था। ये देखो। अरे ये कैसे हुआ? ये है रुपया। लेकिन मैंने तो इस गिलास के नीचे पैसा रखा। ये देखो ले लिया ना? लेकिन मैं शर्त जीत गया। अरे ये तो धोखा है, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। ऐसे कैसे चीटिंग किया है? मैंने गिलास को हाथ लगाया, टेबल को हिलाया, रुपया मेरे हाथ में, तो चीटिंग कैसे हो गई? कैसे हो गई? अरे माथे को क्यों हाथ उठा रहा? अरे यार शरीफ आदमी होकर क्या बोलता है? तू झूठ बोल रहा है, सही सही बोलना। चुप करो, चुप, एकदम चुप। इसने गिलास को हाथ लगाया, इसने टेबल को हिलाया, बिना ये सब किए इसने रुपया उठाया, इसलिए ये शर्त जीत गया। काशी बटन्स लगाए बगैर कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ अंजलि, आजकल पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। आजा, आजा, क्या हो गया है तुम्हें? अंजलि छोड़ो ना। और रुमाल इस तरह से। सॉरी मैं समझा काशी का घर है। आइए आइए, ये हमारा ही घर है। हमारा घर? काशी देखो तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। हाँ फ्रेंड्स, क्या रे अभी आ रहे हो तुम लोग? हम लोग तो 10 साल पहले ही आ गए थे। तुम्हारा गोशी माना गोशी खाना गोशी। 2 दिन से खाना नहीं खाया, यही बंगाली में बता रहा है। सही समय पे आए हो, जल्दी हमारी शादी होने वाली है। शादी करने वाले हैं? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ में आ गया कि तुम दोनों को समझ में नहीं आया। तुम लोग वाकई में काशी के अच्छे दोस्त हो। बेचारा काशी अकेले क्या क्या करता, कहाँ कहाँ भागता। वैसे भी अगर तुम्हारे घर में शादी होती तो तुम लोग काम नहीं करते क्या? अभी शादी को बहुत सारा काम है, तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ। कितने दिन हो गए, इतने दिनों तक मैं अंजलि को देखे बिना रह गया। पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं काशी बोल रहा हूँ। Hey, काशी, यू रास्कल, कहाँ है मेरी बेटी? बोल। वो मेरे साथ ही है। hey, मेरी अंजलि बहुत नादान है, वो तुम्हारे बारे में अनजान थी और धोखा खा लिया। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुमने ये सब कुछ पैसे के लिए किया ना? तुम्हें कितने लाख रुपए चाहिए मुझे बोलो, बोलो कितना चाहिए, बोलो जल्दी कितना रुपया चाहिए तुम्हें? मैं दे दूंगा तुम्हें। आई वॉन्ट माई टोटल बैक। अगर आपको आपकी बेटी चाहिए तो कल सुबह 10 बजे तक कोलकाता के ओल्ड ओरा ब्रिज के पास आ जाइए। ए मेरे प्रभु, तो तुम यहाँ हो? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा। कल सुबह मैं अंजलि को हैदराबाद भेज रहा हूँ।
ओहो, अंजलि को भेजेंगे तो पैसे मिलेंगे। अरे बिना फायदे के दोस्त वापस थोड़ी ना भेजेगा। क्यों भाई? पैसों के लिए नहीं, अंजलि को यहाँ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। ये बात सही नहीं है, मैं उसके लिए सही नहीं हूँ, इसलिए मैं अंजलि को हैदराबाद भेज रहा हूँ। ए, ये तू क्या बोल रहा है? नहीं, वो मेरे साथ नहीं रह सकती। वो कहाँ और मैं कहाँ, हम दोनों फिट नहीं है, और इसीलिए मैं उसे हैदराबाद भेज रहा हूँ। ए, तुम उस लड़की से प्यार करने लगे हो ना? ए, मैं प्यार वार नहीं करता। नहीं नहीं, तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो? ए, नहीं करता रे। नहीं, तुम प्यार करते हो? एक बार बोलो, मैं नहीं करता। भाई सॉरी यार, अंजलि बहुत अच्छी लड़की है, बेचारी, उसे खुश रहना होगा, अच्छे घर में रहना होगा, पैसे के लिए किसी को धोखा दे सकते हैं, पर ये गलत है यार। हम कौन है, प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, ब्लैक टिकट बेचते हैं यार, मैं उसके लिए सही नहीं हूं, इसलिए मैंने उसके पापा को कॉल करके यहां पर बुलाया है। वो खुश रहेगी, मुझे अच्छा लगेगा, उसका यहां से जाना ही सही है, मेरे लिए इतना ही काफी है बस। काशी, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही, पर तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। देखो, तुमने उस लड़की से प्यार किया, तुम प्यार करते हो। अंजलि को वापस मत भेजना यार। अंजलि? हाँ? तुम्हें कोलकाता देखना है ना, चलो हम चलते हैं। ओफो, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया काशी, हम शादी के बाद चलेंगे? नहीं अंजलि, आज आखिरी दिन है ना। आखिरी दिन? हम आज आखिरी दिन के लवर्स हैं। लवर्स बनकर घूमने का चांस दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए हम घूमने चलते हैं। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो पहले मंदिर चले। ओके। ये बंधन कैसा है, कैसी कहानी, क्या इसका है किनारा, फंजान जवानी, मन में थी बातें ऐसी वैसी, अपनी खामोशी, शायद ये रिश्ता जन्मों का। इस तरह क्या देख रहे हो अंजलि? आज हमें सारी चीजें देखनी, बोलो क्या देखना है तुम्हें? काशी। ठीक है, और बताओ क्या पसंद है? काशी। अंजलि, और क्या पसंद है? काशी पसंद है। अभी तुमने काशी कहा? काशी में रहने वाले भगवान के बारे में। ठीक है, और क्या पसंद है? इस काशी के साथ मुझे उस काशी वाले भगवान के पास जाना है। Thank you.
ये ले और बता मेरी बेटी कहाँ है। मुझे 50 लाख रुपए नहीं चाहिए। ए, फोन करके पैसे की मांग की थी ना, बोल बोल बेटी कहाँ है। सर मुझे पैसे नहीं चाहिए। ए, मेरी बात सुनिए सर, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बेटी कहाँ है बोल। सर जो मैंने किया वो गलत है। ए, बोल मेरी बेटी कहाँ है। ए, सर, बोल अंजलि कहाँ है। सर, बोल सर, मेरी बात सुनिए। बता चुपचाप क्यों बैठा है, बता अंजलि कहाँ है। सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर, सर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। सर मैं मेरी बेटी कहाँ है अंजलि को लेकर चला गया था। बोल रे बोल। आप मुझे मारिए सर, मारिए, क्योंकि मैंने गलत काम किया है। मुझे आपके पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अंजलि को हैदराबाद ले जा सकते हैं। अंजलि कहाँ है। हम लोग चलते हैं। कहाँ जाएंगे? अपने शहर चलते हैं। मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं जा सकते? वहां जाऊंगा तो अंजलि की याद मुझे सताएगी। ठीक है हम लोग भी रुक जाते हैं। नहीं यार, यहाँ रहूंगा तो भी अंजलि की याद आती रहेगी। तो हम कहाँ जाएंगे यार? तुम लोग की मर्जी। ठीक है, ए, तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर लगेज लेकर आता हूँ। चल रहे जल्दी जल्दी कर यार। ये क्या है? अरे काशी अंजलि का फोटो, इसको रखते हैं। ए पागल, वो फोटो दिखेगा तो और दुखी होगा। ठीक है तो फेंक दो। चलो चलते हैं। ए टैक्सी। फोटोस कहाँ पर है? ए, फोटो कहाँ रख दिया तुम लोगों ने? हम लोग जानबूझ कर रहे हैं। मेरी फोटो मुझे दे दे यार प्लीज। वो तुमको दुख होगा इसलिए हमने रूम में छोड़ दिया यार। ऐसे कैसे तुम लोगों ने छोड़ दी? मेरी फोटो छोड़कर आ गए? ए, ए, प्लीज यार, ए, कार को घुमाने के लिए बोला प्लीज, मेरी फोटो वहाँ पर है। वो सब अब किस लिए काशी? छोड़ना यार, भूल जाना ये सब, छोड़ देना। अरे प्लीज यार, अरे मेरी फोटो मुझे चाहिए यार। बात मानना यार। ए, कार को बोलना। अरे मैं जो कह रहा हूँ। एक बार बोला ना तो शायद। कोशिश करो। मुंह बंद कर बे, गाड़ी टर्न कर। अंजलि बोलो। काशी, मेरे पापा ने जो कहा वो सच है?
तुमने पैसों के लिए ये सब किया? हाँ, वो सारी बातें सच हैं। पैसों के लिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया, पैसों के लिए मैंने तुम्हें यहां तक लाया, पैसों के लिए मैंने तुम्हारे पापा को कॉल किया, पैसों के लिए मैं तुम्हें वापस भेज भी रहा हूं। पैसों के अलावा और कोई वजह नहीं है? नहीं बोलकर धोखा मत दो, तुम वाकई में मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो ना, क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं, नहीं प्यार करता। सुनो सुनो, अगर तुम वाकई में मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे कब का छोड़ के चले जाते? मेरी तरफ देखो, देखो मेरी आंखों में देखो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मेरे खातिर उन गुंडों से क्यों लड़ने गए? तुम मुझसे प्यार करते हो काशी? अगर प्यार नहीं करते तो इतने पैसे नहीं खिलाते। बस मुझे पैसों से मतलब था। ओके ओके, वो सब छोड़ो काशी, तुम एक बात सुन लो, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ही मेरी जान हो, मैं जीऊंगी और मरूंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ? निकलो निकलो यहाँ से। मतलब तुम्हारी इस बिहेव की वजह से तुम समझते हो कि मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी? नो काशी, पसंद हर वक्त बदलती रहती है लेकिन प्यार एक ही बार होता है काशी। ए, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है? मेरा कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। ए, मैं तेरे लिए करेक्ट नहीं हूँ, तू अपने पापा के साथ खुश रहेगी, मैं तेरे लिए फिट नहीं हूँ। मुझ पर दया करो और प्लीज यहाँ से चली जाओ, प्लीज। क्या कहा? तुम्हारा कैरेक्टर अलग है, मेरे साथ सूट नहीं करते। अगर मैं पापा के साथ चली जाऊंगी तो मैं खुश रहूंगी। अरे इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए काशी कि तुम उसे कितना प्यार करते हो, फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, क्यों बोलो? अंजलि मैंने तुझे धोखा नहीं दिया। काशी मुझे कल के काशी से कोई मतलब नहीं, मुझे आज के काशी से मतलब है। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। यहाँ के सारे लोग कह रहे थे कि तुम कभी वापस नहीं आओगे, पर मुझे यकीन था कि तुम जरूर वापस आओगी। सो इतना कहने के बाद तुम अपनी राय नहीं बदलोगे? ओके, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। काशी मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। काशी मैं जा रही हूं। अंजलि, अंजलि, नहीं काशी, अरे मत आना, अरे मत आना, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। अंजलि प्लीज, और अगर हो भी गया तो तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? अंजलि देखो पागल, नो अंजलि तुम मर जाओगी। मैं अगर मर भी गई तो तुम्हें क्या? हाँ तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अंजलि भी यहीं है। काशी अंजलि के डैड गुंडों को लेकर आ रहे हैं, तुम दोनों कहीं भाग जाओ यहाँ से। अब मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, मुझे अंजलि मिल गई है। ऐसी बात नहीं यार, बोलोगा कोई भी आने दे उसे गार्ड कर रखूंगा। चलो हम लोग कहीं और चले जाते हैं। नहीं अंजलि, तुम्हें मेरी कसम, चलो यहाँ से। अंजलि आओ काशी आओ। काशी गाड़ी और तेज चलाओ। काशी फास्ट फास्ट। अंजलि देखो भागो जल्दी अंजलि भागो।
अंजलि। और हम कहां तक भागेंगे? कहां मुझे भागा कर ले जा रही हो? अंजलि, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बोलो, मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? चलो आओ, हम दोनों मिलकर मरते हैं। नहीं काशी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ काशी, अब तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अंजलि, प्लीज पापा, मेरी बात सुनिए सर। अंजलि और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। छोड़ दीजिए। अंजलि, मैंने सोचा सर तुमने पैसे के लिए नाटक किया था, पर अंजलि से शादी करके मेरी जायदाद हड़पने का नाटक किया है। आज अंजलि सर, काशी, पापा छोड़ दीजिए सर, हमें जुदा मत कीजिए सर। नहीं पापा, मत मारिए, पापा छोड़ दीजिए मुझे। नहीं पापा, मैं तुम्हें इज्जत से समझा रहा हूँ, मेरी अंजलि को छोड़ दो। ए, मारो इसको। पापा उसे मत मारिए, पापा मेरी बात सुनिए। काशी, पापा मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। काशी, पापा मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। अंजलि, सॉरी मिस्टर जीके, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट बट प्लीज डॉक्टर, ऐसा मत बोलिए, चाहे जितना पैसा लगेगा खर्च करूंगा, मेरी बेटी को बचा लीजिए डॉक्टर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। सॉरी प्लीज मिस्टर जीके, योर डॉटर अंजलि ऑलरेडी शी इज इन कोमा, नो चांस, देयर इज नो मेडिसिन टू सेव हर। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत बोलिए, शी हैज ए बैड न्यूज एनी मोमेंट, प्लीज बी प्रिपेयर्ड, आई कांट हेल्प। Only God can save her. Doctor, please believe in God. Doctor, Anjali. Anjali को कुछ नहीं होगा। अंजलि को कुछ नहीं होगा। अंजलि, अंजलि, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ही अंजलि को धोखा दिया, मेरी वजह से आज अंजलि को इतना दर्द सहना पड़ रहा है, मेरी वजह से, मैंने ही अंजलि को धोखा दिया, उसकी हालत मेरी वजह से हुई है।
कौन है, कहां से आया है, ये किसी को भी नहीं पता। पर नसीब हो तो इसकी तरह, हर सुबह इसकी अर्चना से ही भगवान काशी विश्वनाथ जागते हैं। दिन भर उसने जो भी मेहनत की उसकी एक एक पाई विश्वनाथ की पूजा में ही खर्च करता है। इतना ही नहीं, वो कुछ खाता भी है या नहीं ये भगवान को ही पता है। आप जीके जी हैं ना? हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम विश्वनाथ जोशी है। आप यहाँ आ रहे हो इसकी खबर मुझे रामा राव जी ने दी थी। ठीक है, चलिए दर्शन करते हैं। ठीक है, आइए। चलो। बेटी, मम्मी, काशी में मेरा काशी होगा। मेरी बेटी अंजलि के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी, बहुत मुश्किल से बची है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन अंजलि काशी विश्वनाथ की भक्त है, उन्होंने इसे बचा लिया। काशी विश्वनाथ पे जो विश्वास रखता है उसका कभी बुरा नहीं होता। मुझे इस काशी के साथ उस काशी भगवान के पास जाना है। अब हम चलते। अच्छी बात है। मम्मी, ड्राइवर कार रुको। छोड़ दो मुझे। चलो। क्या हुआ साहब? आपसे मिलने जोशी जी आ रहे हैं। जीके साहब, जोशी जी का अभिषेक किया हुआ गंगा जल है, मैं आपको देना भूल गया था, चलता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या हुआ, किस बात की जल्दी आपको? एक मुझसे भी बड़ा भक्त है जो रोज मुझसे भी पहले आकर स्वामी जी की पूजा करता रहता है। पता नहीं वो कौन है और इस काशी में क्यों आया है। यहाँ पर लोगों को कोई जानकारी नहीं है, आज तक उसने कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। पता नहीं ऐसे आदमी को लोग क्यों मार रहे हैं। वो लड़का जरूर कोई तेलुगु वाला ही है, क्योंकि उसके हाथ पर तेलुगु में काशी नाम लिखा हुआ है। क्या, क्या हुआ? काशी, अंजलि, अंजलि। नहीं जी, उन्हें आप कुछ मत कहिएगा। हमारी बेटी अब तक जिंदा है, उसकी वजह काशी विश्वनाथ है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है, ये काशी जरूर है। इस काशी के प्यार की वजह से आज हमारी बेटी जिंदा है। तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे काशी? मैं तुम्हारी अंजलि,
अंजलि काशी 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 तो मुझे छोड़ के मत जाना।